राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, राजनामा टीवी खोलेगा अब राज। ये उसी घटना के चलते पता चला है। हेल्पलाइन के द्वारा हम लोगों के पास बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगे हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है। उनमें से एक हैं सुनील पांडे जी, जिनका शादी का सामान ये लोग उड़ा ले गए। मनीष मूवर्स एंड पैकर्स के लोग जो पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाते हैं, पुलिस के साथ सांठ गांठ करते हुए अभी तक मोबाइल ऑन करते हुए बात कर रहे हैं। लोकेशन उनकी ट्रेस नहीं होती है। इससे साफ साबित होता है कि पुलिस की पूरी मिली भगत है। पूरे नोएडा NCR के जो थाने के पुलिस लोग हैं, उनकी मिली भगत होने की सूचना उच्च अधिकारी को नहीं है और ना हमारे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी को है। आइए सुनते हैं सुनील जी की जुबानी। ये बंदे एक नंबर के फ्रॉड हैं। इसने मेरे शादी में जाने वाले सामान को 7 तारीख को किसी दूसरी गाड़ी में मेरे घर से उठाया। गाड़ी नंबर RJ18GB2698। उपरोक्त गाड़ी शाइन इंडिया पैकर्स मूवर्स की थी, जो कि किसी कारणवश नोएडा में थी, जिसे इसने 2000 भाड़ा देकर मेरे घर से सामान उठाकर नोएडा Sector 3 मकान नंबर D461 में से ले जाकर ऐसे ही फेंक दिया। और उसी रात से मुझसे झूठ बोलता रहा कि आपकी गाड़ी रास्ते में है। 7840000421 ये नंबर ड्राइवर का झूठा दिया और फर्जी तरीके से रात भर मुझे फंसाए रखा। साथ ही मुझसे 15,000 रुपये भी ले लिए। सनद रहे इसने मुझसे 22,000 रुपये पर बात करी और फाइनल गाड़ी निकलते समय 38,500 कर दिया, जिसमें इंश्योरेंस के नाम पे पैसा जोड़ा 9,000, फिर सर्विस टैक्स GST 7,500। मैं और मेरा पूरा परिवार रात भर परेशान रहा। सुबह इसने मुझसे बोला गाड़ी लखनऊ में है, शाम तक पहुंच जाएगी। पुनः जब मैंने खोजबीन शुरू करी तो पता चला कि जिस गाड़ी में यहाँ से ले गया था उसने उसे हटा दिया और दूसरी गाड़ी में सामान डाल दिया। फिर इसने अगला झूठ बोला और अगली गाड़ी का नंबर दिया और फर्जी लोकेशन फर्जी ड्राइवर बनाकर किसी से बात करा रहा था। गाड़ी नंबर RJ07GB9018 फिर बोला शाम तक गाड़ी पहुंच जाएगी। शाम को भी नहीं पहुंची तो शाम से मैं इससे बात करने लगा। थोड़ी सी रात होने पर अगले बंदे को फ़ोन किया मैंने, जिसका नाम बजरंग जाखड़ है। उसने बोला ये बंदा लेके जा रहा है, सर सामान मैं बाहर हूँ, अभी देखता हूँ। फिर इन दोनों भाइयों ने अगला प्लान बनाया। बजरंग ने मुझसे बोला आप परेशान मत हो, आपको सुबह आपके घर सामान मिल जाएगा। अब मेरा सामान इसके पास नहीं था, इसे किसी तीसरे आदमी दीपू रोड लाइन्स के सज्जन बड़े भाई ओम प्रकाश राठौर जी को अपने जाल में फंसा कर उनसे गाड़ी लेकर गाड़ी नंबर BR10GC4639 राजेश यादव, अंदर मेरा सामान और लावा फोन्स ट्रांसवे कार्गो लिफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक साथ भरवा दिया। उनसे इसने 61,000 रुपये लिए और काठमांडू भेजने की बात करी। 8 तारीख की रात को ही इसने मुझसे सामान बेचने की धमकी दी और बोला कि पैसा दे दो सामान पहुंच जाएगा। मैंने वीडियो कॉल के लिए बोला तो बोला सामान आगरा में है, आगे पैसे नहीं है, इस वजह से गाड़ी खड़ी है। ये दोनों भाई धमकी देने लगे, सो मैंने इसे 12,000 और दिए, कुल 27,000 दे दिए। 8 तारीख को इसने पुनः फर्जी लोकेशन इटावा की भेजी और ड्राइवर बनाकर एक नंबर दिया 7827187878 राजू, और इस ड्राइवर ने मुझे फिर झूठ बोला। रात को व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग भेजी कि गाड़ी चला रहा हूँ सर, आपके घर रात को ही पहुँचा दूंगा गाड़ी। अब फिर हो गई 9 तारीख की सुबह और इसने मेरा फ़ोन उठाना जवाब देना सब बंद कर दिया। सो मैंने खोजबीन शुरू करी तो मुझे असली गाड़ी का नंबर जिसमें इसने सामान भरवाया था वो मिला। गाड़ी नंबर BR10GC4639 राजेश यादव, जो कि सज्जन आदमी निकला। उसको पैसे न देने की वजह से इस बेचारे ने गाड़ी अपने घर पे खड़ी करी थी। उसने मुझे वहाँ बुलाया कि सर मेरा दिन खराब कर रहा है ये,
मैं वहां पहुंचकर अपना सामान देखकर तसल्ली बख्श हुआ और मैंने पुलिस की मदद से गाड़ी लिंक रोड चौकी साहिबाबाद में खड़ी कराई। पूरे दिन के संघर्ष के बाद ये इसका भाई कोई नहीं आया। शाम को मैंने पुलिस और गाड़ी ड्राइवर की मदद से गाड़ी अपने घर पर लगाई और अपने साथ साथ टीम को सूचना देकर उन्हें बुलाकर उनका भी सामान उनको सुपुर्द करवाया। साथ के साथ ड्राइवर ने मुझे इसके सामान भरने की जगह दिखाई तो मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 3 ब्लॉक D461 क्रमांक मकान संख्या पर गया जहां से ये भागा हुआ था। कोई नहीं था, इसने वहां बहुत देरों से ऐसे ही सामान भरे हुए थे। मेरा भी दो एक सामान चोरी करा हुआ था। मैंने आस पड़ोसियों से मुलाकात भी करी और उन्हें अपना नंबर भी दिया और इसके आने पर सूचना देने के लिए बोला। साथ के साथ पुलिस भी बुलाई और उसे वो जगह दिखाई। नोएडा NCR में जो चल रहा है आज देखा जाए तो बड़े शर्म की बात है कि खासकर पुलिस प्रशासन के लिए जो बंदा मनीष मूवर्स एंड पैकर्स के नाम से लूटपाट मचाता है उसको आजाद घूमने दिया जा रहा है। न लोकेशन ट्रेस की जा रही है, न उसको पकड़ा जा रहा है। वो खुल्लम खुला सभी को गाली देता है, जो उससे मिलने भी जाता है, अपने सामान की बात करने, उनके साथ मारपीट भी करता है। ऐसा सुनने में आया है। बहुत सारे लोगों के अभी हमारे पास फोन आ रहे हैं और आपको धीरे धीरे इस स्कैम का पता चलता रहेगा। आप देखते रहिए राजनामा TV।